हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत। मेरा चैनल का नाम एलिवेटर टेक्नीशियन SS मलिक। दोस्तों, देखिए, मैं आज आपको एक जो चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो है जो अप्सर लाइन, जिधर समुद्र के अंदर जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, कोई कुछ भी हो, शिप या रिग या प्लेटफॉर्म, ये जो चीज़ रहता है इसके अंदर आदमी जब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और इसका सिस्टम कैसा रहता है, मैं आपको आज पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें क्या चीज़ रहता है और रहने का घर कैसा है और उधर का सिस्टमेटिक कैसा है। शिप या रिग या प्लेटफॉर्म, वहाँ जब एम्प्लॉय काम करने जाता है, क्या क्या जो सेफ्टी लेना पड़ता है और उधर उसके अंदर कैसे जाते हैं और उसका सिस्टम क्या है, खाना पीने का, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसको प्लेटफॉर्म बोलता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो वेल रहता है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो वेल रहता है इसको एक्चुअली ड्रिलिंग करके, मिट्टी खुदाई करके ड्रिलिंग मशीन सहारे इसको बिठा जाता है। और ये वेल जिधर गैस या ऑयल फाइंड आउट होता है, पहले फाइंड आउट करके साइंटिस्ट लोग और इंजीनियर लोग इसको जो खुदाई करके वही जगह में वेल बिठाते हैं। और वेल बैठने के बाद साइड में एक एक प्लेटफॉर्म बैठता है, और प्लेटफॉर्म जो रहता है उसमें ऑयल रिफाइनिंग होता है और ऑयल भी स्टोर रहता है, जो कच्चा ऑयल रहता है वो स्टोर करके। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जब क्रू मेंबर उसके अंदर आते हैं, वो दो ही सिस्टम रहता है, एक हेलीकॉप्टर से वो जाते हैं और जो बोट रहता है पानी के अंदर, वो स्पीडी बोट नहीं तो कोई कार्गो बोट, उसमें उन लोगों को लिया जाता है। ये देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर से उसका जो हेलीपैड रहता है उसमें उधर क्रू मेंबर आते हैं और जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है जो समुद्र के अंदर। ये इसको रिग बोलता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म है, और इसका सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जब क्रू मेंबर जाते हैं उधर, एक लाइव बोर्ड रहता है और लाइव बोर्ड में एक मास्टर लिस्ट रहता है। वो जब आदमी एंट्री करते हैं उनका नाम उधर लिखा जाता है, और मास्टर लिस्ट में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इमरजेंसी आता है उसी टाइम वो मास्टर लिस्ट में, जिसका जो लाइव बोर्ड में नाम है, उधर जाके खड़ा रह के उनको उधर ही वो लाइव बोर्ड के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। अभी जब इमरजेंसी आ गया, नहीं तो कभी कुछ जहाज़ का इमरजेंसी आ गया, उसमें वो उनको उधर ही खड़ा रहना पड़ता है। ये देखिए, ये जो घर देख रहा है वो ग्रीन कलर का, ये हर पर्सन एक एक घर में काउंटिंग करके खड़ा रहते हैं, और कुछ इमरजेंसी में उन लोगों को नीचे उतार दिया जाता है। सपोज कुछ बड़ा प्रॉब्लम इशू आया, उनको भी उधर अलाटमेंट करके रखते हैं, और हर वीक में उनको उधर जो ड्रिल करते हैं जो एक्सपीरियंस के लिए,
और ट्रेनिंग चलता है उधर ही मास्टर लिस्ट के पास। वो जितना क्रू मेंबर जाके उधर खड़ा रहते हैं। और ये जहाज़ में हर जहाज़ हर प्लेटफॉर्म हर रिग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है, क्योंकि ये जो लाइफ बोट रहता है ये जान बचाने का सवाल रहता है। इसीलिए दोस्तों इसको पहले जानकारी होना चाहिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म के अंदर ये आप देख रहे जो ये स्टेप रहता है आउटसाइड का स्टेप ऐसा रहता है, और जो रूम के अंदर जो ऐसा रहता है सब सिस्टम। ये देखिए मैं आपको जो रूम दिखा रहा हूँ रूम कैसा रहता है, कितना नीट एंड क्लीन रहता है। ये भी बेड ऐसा रहता है, देखिए रूम कितना नीट एंड क्लीन। और उधर का जो कैंटीन रहता है वो ऐसा बहुत अच्छा रहता है। ये जो क्रू मेंबर बैठ के खाते हैं उधर डाइनिंग टेबल रहता है कैंटीन का, कितना अच्छा नज़ारा देखिए। ये मैं आपको ये रूम के अंदर दिखा रहा हूँ नज़ारा, देखिए ये जो उधर रिक्रेशन रूम कितना अच्छा कितना नीट एंड क्लीन, ये 5-स्टार होटल का जैसा रहता है दोस्तों। देखिए ये सब वो जो अकोमोडेशन रहता है इधर कितना अच्छा। और ये देखिए दोस्तों इधर भी ये ONGC का रहता है। ये देखिए दोस्तों इधर भी एक MBBS डॉक्टर भी रहते हैं, क्रू मेंबर का कुछ तबीयत प्रॉब्लम हो गया ये हो गया उनको भी वो इलाज करते हैं। और देखिए ये जो स्टेप कितना अच्छा है अंदर का, ये जो सीढ़ी जो है ये 4th फ्लोर का रहता है ये जो अकोमोडेशन। कोई कोई जहाज़ में उनका कैपेसिटी के हिसाब से फ्लोर रहता है ये, लेकिन 4th फ्लोर का रहता है ये जो अकोमोडेशन। और ये जो आप देख रहे ये घर कितना अच्छा, इधर हर चीज़ रहता है दोस्तों। ये देखिए ये तो एक्वा गार्ड लगा गया, और ये देखिए ये फायर एक्सटेंशन है इधर। फायर के लिए बहुत मतलब एडवांस चीज़ रहता है, क्योंकि हमेशा इधर अलर्टमेंट रहता है फायर का, और जो भी क्रू मेंबर रहते हैं उनको हर चीज़ जानकारी रहता है। ये देखिए मैं आउटसाइड का अभी दिखा रहा हूँ, आउटसाइड में कैसा है उसका जो पैसेज रहता है वो आउटसाइड में क्रू मेंबर जाके घूम सकता, नहीं तो कुछ भी टेक्निकल काम जो भी काम करने के लिए ये पैसेज रखा गया। ये देखिए दोस्तों ये जो पानी के अंदर जो प्लेटफॉर्म बना है कितना अच्छा नज़ारा है, और कितना मेहनत करके ये जो चीज़ सब बनाया गया। ये देखिए उसमें फ्लावर का पेड़ भी रखा गया जो अच्छा नज़ारा के लिए खूबसूरत के लिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा चीज़ है, और फूल देखो कितना अच्छा, और आउटसाइड का मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये देखिए इधर एक लाइफ बोट लगाया, ये लाइफ बोट दोनों साइड से दो रहता है। ये देखिए दोस्तों ये जो फेस्टिवल में जो भगवान का पूजा चल रहा है कितना अच्छा से, हर फेस्टिवल में इधर जो बफे पार्टी रहता है, कोई भी दिवाली होली या न्यू ईयर हर जो फेस्टिवल में कुछ ना कुछ मतलब बफे पार्टी रहता है, और बफे पार्टी में कम से कम 50 से 60 आइटम खाना तैयारी होता है। ऐसा जनरल लंच और डिनर में कम से कम 10 मेनू रहता है, और जो पार्टी में देखिए 50-60 आइटम का रहता है ये। और
हमेशा उधर बिस्लेरी पानी जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो उधर का जो चीफ लोग, जो कैटरिंग स्टाफ रहते हैं, 25-30 आदमी रहते हैं, और उसके अंदर स्टोर रहता है, जो खाना जो जितना जो सामान रहता है सब कुछ मिलता है उधर। देखिए दोस्तों, उधर क्रू मेंबर कितना अच्छा से रहते हैं और कितना अच्छा खाना भी बनता है। देखिए दोस्तों, ये सब खाना उधर मिलता है, हर पार्टी में ये सब अच्छा अच्छा नया नया खाना, मिठाई वगैरह सब कुछ उधर मिलता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को कि जो अफसर का प्लेटफॉर्म रिग के बारे में मैं आपको जो आइडिया दे दोस्तों, आप लोग को शायद कुछ आइडिया मिला होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो देख के आप ज़रूर एक बार लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।